राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर धाम दौरे पर पहुंची। वे विशेष हेलीकॉप्टर से दोपहर के समय डूंगरपुर के बेनेश्वर पर अस्थायी हेलीपैड पर उतरी। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीना, मंत्री बाबूलाल खराड़ी समेत संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, रेंज आईजी एस परिमला समेत कई अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेनेश्वर धाम स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर पहुंची, जहां महंत अच्युतानंद महाराज ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी की। इसके बाद धाम पर स्थित संत मावजी महाराज के संग्रहालय का भी अवलोकन किया। महंत अच्युतानंद महाराज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को धाम के इतिहास, महत्व और संत मावजी महाराज के लिखे चौपड़ के बारे में जानकारी दी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धाम स्थल पर राजीविका मिशन की महिलाओं की ओर से बनाए जा रहे उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं से बातचीत की और उनकी हस्तकला की तारीफ की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजीविका मिशन के लखपति दीदी सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ जिले की 10,000 महिलाएं शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजीविका मिशन की महिलाओं को 250 करोड़ रुपए के लोन का वितरण किया। वहीं महिला निधि के तहत 50 करोड़ के चेक वितरित किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं को अपने हाथों के हुनर से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने राजस्थान को वीर भूमि बताते हुए कहा कि बेनेश्वर धाम हजारों जनजातियों और लोगों की आस्था का पवित्र केंद्र है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के गौरवपूर्ण इतिहास को हमेशा से ही याद रखा जाएगा। आदिवासी महिलाएं भी आधुनिकता की दौड़ में बदलाव के जरिए आगे बढ़ रही हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। राजस्थान सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं। सरकार के ये प्रयास लगातार होने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत तभी आत्मनिर्भर बनेगा जब देश की हर महिला विकास में भागीदारी निभाएगी। कहा कि संविधान में आदिवासी समाज को विशेष अधिकार मिले हैं, साथ ही आदिवासी समाज का व्यक्ति पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए कम से कम साधनों से कैसे जीवन स्तर को आगे ले जाना है ये बेहतर जानता है। वन धन योजना से आदिवासी समाज का आर्थिक विकास भी हो रहा है। सरकार आदिवासी क्षेत्रों के विकास को लेकर तेजी से काम कर रही है। वहीं विकसित भारत के निर्माण में आदिवासी समाज की महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए।